एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे NBS का जो एग्ज़ाम हुआ है कैटरिंग असिस्टेंट का, तो उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। और टोटल यहाँ पर पोस्ट आपको पता है 87 पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम हुआ है। तो कट ऑफ को जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके डेटा पर जाने से पहले हम बात करेंगे 2017 का कट ऑफ, ठीक है, और पेपर पैटर्न, उसके बाद 2019 का जो भी कट ऑफ रहा है क्या पेपर पैटर्न था, तो इन दोनों को चीज़ों को हम देखते हुए फिर हम पहुंचेंगे 2022 पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो 2022 का पेपर पैटर्न है वो क्या है, उसके बाद हम चलेंगे 2017 और 2019 पर। तो 2022 का जो पेपर पैटर्न है वो एक बार आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है द फॉर द पोस्ट ऑफ कैटरिंग असिस्टेंट पोस्ट कोड 10 पार्ट। यहाँ पर 5 पार्ट में पेपर को डिवाइड किया गया था। फर्स्ट पार्ट में रीजनिंग एबिलिटी, जहाँ पर 15 क्वेश्चन थे 15 नंबर के। सेकेंड पार्ट में जनरल अवेयरनेस, जहाँ पर 15 क्वेश्चन थे 15 नंबर के। और थर्ड पार्ट में था लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट, यहाँ पर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश 10-10 क्वेश्चन थे, टोटल 20 क्वेश्चन थे 20 मार्क्स के। पार्ट फोर्थ था नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, यहाँ पर 10 क्वेश्चन थे 10 नंबर के। और पार्ट जो था वो डोमेन प्रोफेशन जो नॉलेज आपका है उससे संबंधित था, यहाँ पर 60 क्वेश्चन थे, ठीक है, 60 नंबर के। तो टोटल जो क्वेश्चन बनते हैं 120 और टोटल मार्क्स थे 120 नंबर का ये पेपर था। और आपको समय मिला था 2.5 घंटे, ठीक है। और इस बात पर इसमें जो थोड़ा चेंज हुआ है वो मोटा मोटा आप देख लीजिए, चाहे 2017 की आप बात करेंगे चाहे 2019 की बात करेंगे, इन दोनों में निगेटिव मार्किंग नहीं थी। ये एक चेंज मोटा मोटा आप देख सकते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन जो 2022 में है इसमें 0.25, ठीक है, 0.25 या 1/4 इतनी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने को मिली 2022 में, ठीक है। ये 2022 की चीज़ें हैं। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी कितनी थी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए वैकेंसी भी मैंने यहाँ पर शो कर दी है। तो यहाँ पर देखते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की 37 है, EWS की 8 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर की यहाँ पर 23 हैं, शेड्यूल कास्ट की 13, शेड्यूल ट्राइब की 6। तो इस प्रकार टोटल जो है 87 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो ये तो रही बात 2022 की। अब हम 2016 की कुछ डेटा हैं उनको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017 का ये है। 2017 में टोटल हम सिर्फ पोस्ट देखें तो टोटल पोस्ट आप देखेंगे 61 पोस्ट थी, 61 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था, ठीक है। पेपर पैटर्न क्या था 2017 का, 100 क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, ठीक है, यहाँ पर, और 2.5 आवर मतलब 2.5 घंटा समय पहले भी दिया जाता था। 100 नंबर का ही पेपर होता था, हिंदी और इंग्लिश से यहाँ पर 10-10 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से 20, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से 20 और सब्जेक्ट नॉलेज से 40 क्वेश्चन। ये तो 2017 का पेपर पैटर्न था। अब 2019 की बात करेंगे तो वो मैंने यहाँ पर डेटा नहीं लिया है, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ 2019 का जो पेपर पैटर्न था वो सेम 2022 के सेम था। जो 2022 का जो पेपर पैटर्न है 120 नंबर का वही 2019 में था। सिर्फ अंतर ये है 2019 में निगेटिव मार्किंग नहीं थी और जो 2022 में है इसमें निगेटिव मार्किंग है। और जो पेपर का जो टोटल है वो सेम है, 120 का 2019 में भी हुआ था और 2017 में सिर्फ 100 नंबर का हुआ था, और 2022 में आपको पता है 120 मार्क्स का हुआ है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनके कट ऑफ की। 2017 की अगर आप देखेंगे डेटा अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। तो 2017 के कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट थी वो आपको पता है 61 पोस्ट थी, यहाँ पर जो कट ऑफ गया था वो 68 से 75 के बीच वैरी किया था डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग कट ऑफ गया था 68 से 75 के बीच, ठीक है, आउट ऑफ 100, क्योंकि 100 का पेपर उस समय हुआ था, ठीक है। अब बात करें हम 2019 की, तो 2019 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है टोटल अगर आप पोस्ट की बात करेंगे तो टोटल 26 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था 2019 में, ठीक है, 120 नंबर का था, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी। और यहाँ पर कट ऑफ की बात करेंगे तो देखेंगे कि आप 84 से 90 इसके बीच में कट ऑफ वेरी किया है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, 84 से 90 के बीच कट ऑफ गया है और निगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी बैकग्राउंड में, 2017-2019 में कितनी पोस्ट थी, क्या कट ऑफ गया था, क्या पेपर पैटर्न था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 2022 की। तो 2022 की मैं ऑलरेडी आपको जो डेटा है वो बता चुका हूँ, पेपर पैटर्न भी आपको बता चुका हूँ। अब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे अनुसार रहेगा, और एक चीज़ यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग है ये आप ध्यान रखिएगा, 2000
22 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है इसका आंसर किया जाएगा आपको 18 मार्च को। उसके बाद चीज़ें और आपकी क्लियर हो जाएंगी 18 मार्च को आंसर की आने के बाद। तो इसमें निगेटिव मार्किंग है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इन सभी चीज़ों को मैंने जो है कंसिडर किया है, उसके बाद ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे अनुसार, ये मेरा ओपिनियन कहता है, आपके अनुसार क्या रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी सजेशन सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या इसमें ये मेरे अनुसार जो भी मैं बता रहा हूँ गलत है या कुछ इसमें जो है सच्चाई है। तो फिलहाल में आप देख लीजिए, जो मैंने यहाँ पर अपना एक्सपेक्टेशन लगाया है वो मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे अनुसार जो जनरल का कट ऑफ रहना चाहिए 83 to 88 के बीच में रहेगा। 87 पोस्ट हैं और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, ठीक है। तो मेरे अनुसार मैंने अपना एक्सपेक्टेशन सभी चीज़ों को कंसिडर कर लिया है, निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे, पोस्ट की बात करेंगे, तो जनरल का इतना होना चाहिए 83 to 88 के बीच। अगर कोई कैंडिडेट सिक्योर कर रहा है तो वो यहाँ पर फाइट में है। और अगर OBC की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 79 to 84, इसके बीच में अगर लाई करते हैं तो आप मान सकते हैं फाइनल लिस्ट में नाम आने का। EWS का ये रहेगा 78 to 83 एंड SC 75 to 80 एंड ST का 72 to 76। तो ये मेरे अनुसार ये है, मेरा एक्सपेक्टेशन ये कहता है कि ये कट ऑफ रहने वाला है। कैटरिंग असिस्टेंट का सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, बैकग्राउंड में 2017 2019 2022 का एक्सपेक्टेशन जो एक्सपेक्टेड है वो भी यहाँ पर मैंने बता दिया है, ठीक है। सभी चीज़ों को मैंने कंसिडर कर लिया है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।